का सफर कल हम लोग निकले थे 4 बजे के करीब, अभी भी वहाँ पहुँची नहीं हूँ जहाँ जाना है। ब्राइडल मेकअप के लिए आई हूँ, पिक्चर्स भी शेयर करूँगी। और अमेजिंग इन्वायरमेंट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है दिल्ली की तरह। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, चारों तरफ हरियाली है, सरसों सब जगह, सरसों ही सरसों है। आई फील वेरी गुड। इतना बड़ा बड़ा आता है, ये सारे आलू है। हाँ ये सब आलू। अच्छा, वो प्याज लगाई गई है उसमें उखाड़ करके। कहाँ पे? वहाँ पे ये वाली वो वाली। अच्छा, वो सारा प्याज का है। ये आलू निकाल लूं। कैसे निकालते हो आप आलू? अच्छा, इस सब में आलू है? सब में आलू है, सब में आलू है। जहाँ जहाँ पौधा है वहीं वहीं आलू मिलेगा। अच्छा, वो भी लगे हुए, ये क्या बोलते हैं, बाथू बोलते हैं शायद। हाँ हाँ, बाथू बाथू। ये लगाते हो या अपने आप? अपने आप यहाँ होता है। वो देखो आलू, उधर वो देखो मटर, मटर का पेड़ है, हरी मटर वो है। हाँ। लगे हुए मटर? हाँ, उसमें फल लगा हुआ है। अच्छा, जाने का रास्ता है? हाँ, ये चले जाओ, इसी रास्ते चले जाओ, बीच में से। हाँ हाँ, इसी पर से चले जाओ, नहीं आलू पर से चले जाओ। मैं भी खोदूंगी अभी। ये देखिए, मैं आपको मटर दिखा रही हूँ। ये मटर लगे हुए हैं यहाँ पे, और वो है गन्ने का पेड़, और ये सरसों है। बट अभी भरे नहीं है ये। ये देखो ताजी मटर है ये, लेकिन अभी खाने लायक नहीं है। अभी तो ये अभी बच्चा है। अच्छा, तो ये कितने टाइम में हो जाते हैं? ज्यादा ज्यादा एक हफ्ते में हो जाएगा ये। ये? हाँ जी, ये इसका बीज होता है, यही बोया जाता है। अच्छा। और ये क्या बोलते, कितने टाइम, जैसे आपने आज बीज डाला तो कितने टाइम बाद? कम 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीने। हाँ। उसके बाद पूरे पक जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये खाने के लिए? हाँ, बस तो है। बेचने के लिए जो करते हैं वो ज्यादा बोते हैं ना। अच्छा, वो पूरा का पूरा है, गेहूं है इतना बो देंगे। अच्छा, जितना उसमें तब लेबर लगाएंगे तोड़ने के लिए। अच्छा, ये तो आपने अपने खाने के लिए? हाँ, खाने के लिए। हाँ, तो हर चीज नकली सी मिलती है। ये प्याज लगी है, प्याज लगी है। क्या ना, प्याज मतलब वो बीज है। हाँ, उसके बाद ऐसे लगाते हैं। हाँ, तैयार होगा तब ये गट्ठा पड़ेगा इसमें। अच्छा। हाँ, ये छोटे छोटे प्याज है अभी? तो 2-4 दिन हुआ लगाए हुए। अच्छा, इन्हें 2-4 दिन हुए? छोटे छोटे प्याज है। हाँ, तो ये बड़ा होगा ना, इसका पौधा इतना आएगा। अच्छा, तब उसमें इतना बड़ा बड़ा गट्ठा पड़ेगा। तो एक में एक ही होता है ना वैसे? हाँ, एक में एक। प्याज का तो यही सिस्टम, गुड़ाई होगी अभी। अच्छा, 2 बार गुड़ाई, मतलब वो छोटी सी निकाई गुड़ाई की। अच्छा अच्छा, तो वो निकल नहीं जाएगा? नहीं नहीं, शोर पकड़ लेगा ना उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इसकी जो जड़ है वो स्ट्रांग हो जाएंगी, मिट्टी को पकड़ लेगी, है ना। देखो कितने छोटे छोटे आलू भी है। छोटे भी है, बड़े भी है, सब है। मैं भी निकालूंगी अभी, तुम बनाना। हाँ, निकालो, बचा के लगे ना। इससे निकालूंगा? हाँ निकालो, इसमें होगा। हाँ, वो साइड से। हाँ चलो, दो आलू निकाल दिया। इसको क्या बोलते हैं? इधर कुदारी, कुदारी। हाँ, रात हाथ में मिट्टी लगेगी। चलो बन गया, इसी मिट्टी में पैदा वो मिल जाएंगे एक दिन। सबको इसी में जाना है। मैंने तो ये सारी चीजें देखी नहीं, मुझे इसलिए गांव बहुत पसंद है। मेरा
हमारा काम वाना होता तो यही रहती हूँ। इतना आलू निकल गया देखो। हाँ जी, इतना निकल गया। हाँ जी, एक आलू बोया गया था। बट ये सांस आप लोगों को तो हो गई है ना, प्रैक्टिस हो गई है। हाँ, सांस फूलने लग गया था। जो मेहनत नहीं किया है उसके लिए तो दिक्कत। बट ये चीज़ आप लोगों को फिट भी तो रखती है फिर। हाँ, फिट रखती है, बीमारियों से बचाती है। जो अब शहर के लोग थोड़ा चलते हैं। हाँ, तो मैंने ये किया, मेरे सांस फूल रहे। हाँ, और आपने वो सारा कर दिया इतना। हाँ, हाँ, कितने ये सारे आलू अभी निकाले आपने। हाँ, 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 बट वो जैसे वहाँ पे आलू जो आते हैं ना, उसमें कुछ मिट्टी भी ऐसे बहुत सारी मिट्टी वो लगी हुई होती है या लगाते हैं वो लोग? नहीं नहीं, मतलब अब गीला खोदा जाएगा। अच्छा, भरने के बाद जब गीला खोदा जाएगा तो वही मिट्टी लगी रहेगी। अच्छा, और ये तो सूख गया है ना, इसलिए मिट्टी इसलिए नहीं है, साफ साफ आलू निकल। अच्छा, मतलब जब सूख जाते हैं तो आलू साफ होते हैं। साफ, लेकिन वो बोलते ये पुराना आलू है, ये नया आलू है। हाँ, तो बाद में होता है, लास्ट में जा करके उधर अक्टूबर नवंबर में। हाँ जी, तो ये पुराना हो जाएगा। अच्छा, और फिर बाद में वो आता है पहाड़ी वाड़ी खोद के नया नया आलू होता है। अच्छा अच्छा, तो उसे नया बोलेंगे। हाँ, तो नया बोलेंगे। तो दोनों को खाने में वो जो टेस्ट और स्वाद में फर्क होता है? फर्क होता है। ये देसी आलू है ना? हाँ जी, ये देसी है। अच्छा, और जो बड़ा बड़ा आता है वो टेस्टी नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ये छोटा आलू जितना छोटा होगा उतना बढ़िया होगा खाने में, मीठा होगा ना। तब यहाँ के खाने में बहुत स्वाद है। हम लोगों ने वहाँ पे अभी वो भी खेत में से वहाँ पानी सही नहीं है ना, पानी भी पानी नहीं सही, पानी तो बहुत ही खराब है। तब वो खारा पानी होता है इसलिए टेस्ट नहीं होता है उसमें। दिल्ली में पानी ठीक है। नहीं, जो मीठा पानी भी होता है वो फिल्टर किया हुआ होता है। उसी पानी को फिल्टर करके रीयूज करते रहते हैं वो लोग। वहाँ पानी की वजह से जो है स्वाद नहीं बन पाता है। और बाकी तो सब मसाला तेल सब जितना तेल मसाला पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में डाला जाता है सब्जियों में, तो उससे बहुत कम मसाला यहाँ डालिए, देखिए फर्स्ट क्लास तेल, कम तेल कम मसाला में, उससे ज़्यादा टेस्ट। में जो है खाद इसमें प्रोटीन खाद जो है नाइट्रोजन। हाँ, इसमें डाला जाता है। अच्छा, हाँ, नाइट्रोजन डाला जाता है। नहीं, जैसे वो लोग इतना सब कुछ डालते हैं तो वो जल्दी उगता है? ये लेट से होता है, ऐसा है। फूल गोभी है जो ये दवा डालते हैं इसलिए ये बना पड़ा होगा, बड़ा बड़ा होता है ये। अच्छा, और हम लोग ये इसमें कोई दवा नहीं डाले इसलिए ये फूट गई है। अच्छा, ये बड़ी वाली है? हाँ, इसके अंदर लगी हुई है। हाँ, लगी है। इधर से नहीं, उधर से जाओ, देखो इधर इधर कचरा होगा। यहाँ से देख लो, लगा है लेकिन वो फूट गया है। बढ़ रहा है अभी, छोटा है अभी, इसमें नहीं लगा है। एक इसमें लगा हुआ है। हाँ, उसमें लगा। जैसे उधर में है एक ना। हाँ जी, उधर में जो फूल गोभी है उसी तरह ये फूल गोभी होता है। अच्छा, ये बड़ा होगा वो छोटा होगा? हाँ, हाँ, तो ये बीज में फर्क होता होगा। हाँ, ना बीज में फर्क। और ये क्या है? ये लहसुन है। अच्छा, ये और बड़े हो जाएंगे, इतने ही रहते हैं? नहीं, और बड़ा होगा भी। अच्छा, इसमें अंदर। अच्छा, लहसुन का गट्ठा मीठी है वो, हरी वाली किनारी जो है मेथी। अच्छा, और इसका साग खाते हैं लोग। मेथी भी आप लगाते हो या अपने आप उगता है? नहीं, बोया जाता है। बोया जाता है, बोया जाता है।